मैगी तो आप सभी ने बहुत खाई होगी, वही 2 मिनट वाली मैगी। लेकिन मैगी बनाने का सही तरीका आज तक आपको नहीं पता होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैगी बनाने का एक्चुअल में सही तरीका क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मैगी। मैगी बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन जिसमें रखा है पानी, 1.5 गिलास पानी है। दूसरी तरफ हम लेंगे एक बड़ा पैन जिसमें हम बनाएंगे मैगी, और यहाँ हम 2 मैगी बनाने वाले हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, 1 से 2 चम्मच हम बटर डालेंगे। एक तरफ हम फ्राई करेंगे सब्जियों को। सब्जियों के लिए लिए हमने प्याज, मटर, हरी मिर्ची और हमने लिया है बंद गोभी। सबसे पहले तेज हीट पर हम करेंगे प्याज को, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे मटर, मटर को फ्राई करेंगे। मटर को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मटर फ्राई होने के बाद हम डाल देंगे जो हमने काट के बंद गोभी रखा हुआ है, कैबेज, उसको हम डाल देंगे। और आपको बहुत ही फाइनली कट करना है इसको। आप देख सकते हैं कि बहुत ही फाइन कट किया हुआ है। दूसरी तरफ हम करते हैं मैगी को बॉईल। पानी गर्म हो जाने के बाद ही आपको मैगी डालनी है इसके अंदर। ठंडे पानी में आपको मैगी नहीं डालनी है वरना मैगी चिपकने लग जाएगी। दूसरी तरफ हमने जो बंद गोभी फ्राई करने के लिए रखा हुआ है उसमें पानी छोड़ दिया, वो थोड़ा सा फ्राई होने लगा है। उसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद साथ में ही हम डालेंगे जो हमने मैगी ली है। मैगी के अंदर जो मसाले निकलते हैं वो 2 पैकेट, हम 2 मैगी बनाने वाले हैं इसलिए 2 पैकेट मसाले इसके अंदर हम डाल देंगे। और बहुत ही अच्छे से मिला देना है। मसाले थोड़े से भुन जाएंगे उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो साइड में मैगी रखी हुई है वो बॉयल हो चुकी है अच्छे से। आप भी देख सकते हैं कि मैगी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैगी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, क्योंकि यहाँ पर हमने गर्म पानी में मैगी को डाला था इसलिए ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। अगर आप ठंडे पानी का यूज़ करते हैं, ठंडे पानी में ही डायरेक्ट मैगी डाल देते हैं, तो मैगी चिपकना शुरू हो जाएगी एक दूसरे से और बीच बीच में टूट भी जाएगी। और यहाँ पर हमने सिर्फ मैगी को 80% तक कुक किया है। मैगी को अब हम निकाल लेंगे और जो मैगी का पानी बचता है उसको हमें यूज़ नहीं करना है, उसको हम फेंक देंगे। क्योंकि मैगी का पानी अगर आप यूज़ करते हैं तो मैगी बहुत ज़्यादा चिपचिपी बनेगी, इसलिए यहाँ पर हम मैगी का पानी बिल्कुल भी यूज़ करने वाले नहीं हैं। मैगी अलग से स्ट्रेन कर लेंगे। और मैंने तो इस तरह से आप निकाली है, आप भी इस तरह से निकाल सकते हैं वरना किसी छलनी में आप निकाल सकते हैं, छान सकते हैं उसको। फिर हमने जो सारी सब्जियां फ्राई करके रखी हुई हैं उसमें मैगी को मिलाना है। और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिलाने के बाद मैगी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी इस तरह से मैगी बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस तरह से मैगी कौन कौन बनाता है। और आप देख सकते हैं कि मैगी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और मैगी बहुत ही अच्छी बनी है। तो आज ही आप इस मैगी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।